नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे यूपी एनएचएम सीएचओ वैकेंसी 2024 को लेकर। आवेदन है तो अंतिम तिथि इसकी 17 नवंबर 2024 है, यानी एक बार फिर से आपको मौका मिला है। अब यहाँ पर पदों की संख्या 5582 से बढ़कर अब 7401 हो चुकी है, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स में अपॉर्चुनिटी आपकी और बढ़ गई है। तो आइए देखते हैं जो जनवरी में फॉर्म भरे गए थे, अब उन्हें क्या करना होगा, इस पर भी बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए यहाँ पर ये इसका नोटिफिकेशन है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से, ये एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरेंगे वो आपका फॉर्म जो है 28 से लेकर 17 नवंबर तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। क्लियर है, यहाँ पर 7400 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज यानी संविदा पर ये वैकेंसीज रहेंगी, और इसी के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत भरी जाएंगी। तो ये डिटेल है 7400 प्लस, और इसकी टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, अनरिजर्व की कितनी, ईडब्ल्यूएस की कितनी, ओबीसी की कितनी, एससी की कितनी, एसटी की कितनी और टोटल कितनी, सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना है इसमें, आप ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो लिखी है, पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5582 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स सीएचओ की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन जो था 23/24 का दिनांक 25/1/2024 में जिनको आवेदकों द्वारा आवेदन किया जा चुका है, उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा, यानी उन्हें दोबारा यहाँ पर आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में वांछित संशोधन किया जा सकता है। अगर वो चाहें तो कोई संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा नया रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ इसकी फॉर्म की फ़ीस जो है वो भी जीरो है। योग्यता आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ ऑफ फॉर नर्सेस यानी CCHN आपके पास होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के साथ। और यदि आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखें तब भी आपके पास CCHN का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी 2020 के पहले का आपके पास होना चाहिए। और फॉर क्लेरिफिकेशन, एकेडमिक ईयर जो है फोर्थ ईयर बीएससी नर्सिंग एंड सेकंड ईयर द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2020-19 and 20 ऑन वर्ड्स पासेस एंड कोर्सेज सक्सेसफुली अगर पास किया है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्लियर है, तो इतनी चीज़ें आपके पास डिटेल के रूप में होनी चाहिए। तो अगर योग्यताएँ आपके पास हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र की बात यहाँ कही गई, तो उम्र में आप देख सकते हैं, उम्र में 21 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है, आप चीज़ों को समझ गए होंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, ये पूरे 75 आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, ये इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर अरेंज हैं। मैं धीरे धीरे इस पीडीएफ को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल सौरान एकेडमी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर भी ये उपलब्ध रहेगी पीडीएफ, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये टोटल 7401 वैकेंसी यहाँ पर आपके सामने है। तो क्लियर है, इतनी चीज़ें आपने समझ ली यहाँ पर। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये सारी डिटेल हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश शासन से जाते पिछली जाते अगर आवेदन करते हैं तो कुछ इस फॉर्मेट पर आपका बना हुआ होना चाहिए, तभी वो जो है मान्य होगा। क्लियर है, आप समझ गए होंगे। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कुछ इस फॉर्मेट पर बना हुआ होना चाहिए। अगर अनुभव प्रमाण पत्र है तो इस वाले फॉर्मेट पर बना होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र इस तरीके का आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, आप वेबसाइट देख लेते हैं।
देखिए ये फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट है, यहाँ अगर आपने पहले लॉगिन कर रखा है तो लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और पासवर्ड भर दीजिए। अगर आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो क्लिक हियर, आपको यहाँ से हम ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल दोनों पर शेयर कर देंगे। क्लिक हियर टू फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ें फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। बीएससी नर्सिंग विद द इंटीग्रेटेड सीसीएचएन कोर्सेज और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, इन दोनों कोर्सेज में से कोई कोर्स आपके पास है तो आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यस या नो करना होगा आपको। अगर आप नो कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपसे कैटेगरी यहाँ पर पूछता है तो अनरिजर्व्ड में रहेंगे, यानी अदर स्टेट के लोग भी इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर आप हैंडीकैप्स हैं क्या है, इस तरीके की एक्स सर्विसमैन है, वो सब भर के डिटेल आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने का लिंक है, वेबसाइट है, इसे हम आपको टेलीग्राम चैनल और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।